morning students. How are you? Hope you all are well. And today I teach you Subhashitani. And hope you remember that in previous class I taught you about the same Subhashitani. What is Subhashitani? I told you what is Subhashitani. Subhashitani means the jo Subhashitani. Su matlab good and Bhashit means the told, the said. What is the said? Good thing. The good word. The good word which is come generation by generation. And we spread to each other, and it goes from one person to another person. And जब आप इसे अपने जीवन में उतारोगे, इतनी अच्छी बातें होती हैं शुभाशितानी, इसका मतलब ही गुड वर्ड, मतलब अच्छी बातें. और इसे श्लोक द्वारा बताया जाता है अपने जीवन में उपयोग करने के लिए. और हम लोग जब इसे बताते हैं दूसरे को, तो फिर वो तीसरे को बताते हैं, इस तरह ये स्प्रेड होता है. तो ये अच्छी बातों को हम लोग को अपने जीवन में उतारना चाहिए. तो दैट इज द सुभाषितानी इज मीनिंग. एंड इन प्रीवियस क्लास वी टॉट यू 3 or 4 श्लोकास, इफ यू रिमेम्बर. आर यू रिमेम्बर? एंड डोंट वरी, टुडे वी ऑल्सो द रिवाइज यू 3rd or 4th विच आई टॉट यू इन प्रीवियस क्लास. टुडे again I taught you that one, and another 3 also complete today. So now the जो आगे के 3rd 3 श्लोक हैं उनके मैंने आज वर्ड मीनिंग लिखे हैं. पहले वाले के तो आप लोगों के पास लिखे होंगे. तो इन दैट नोटबुक यू राइट द दीज वर्ड मीनिंग ऑल्सो. देन वी स्टार्ट द चैप्टर नेक्स्ट. वी स्टार्ट द चैप्टर 3rd सुभाषितानी श्लोका. सो राइट फर्स्ट उद्यम मीन्स हार्ड वर्किंग. उद्यम मीन्स हार्ड वर्किंग. साहसा मीन्स डेयरिंग. डी आर आई एन जी धैर्य. पेशेंस. पी ए टी आई डी एन सी ई बुद्धि. नॉलेज. के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई. शक्ति. एस टी आर ई एन टी एच. स्ट्रेंथ. पराक्रम. सी ओ यू आर ए जी ई. करेज. सिद्ध्यंती. सिद्ध करना मतलब सॉल्व करना और अचीव करना, प्राप्त करना, दोनों मतलब यहाँ पे होता है. यहाँ पे अचीव का मीनिंग आया है, इसलिए मैंने अचीव लिखा है. ऐसे तो सिद्ध का मतलब जैसे हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं, जो सिद्ध सिद्धम सिद्धमिति बोल सकते हैं. जैसे हम लोग चावल कंटूर को बनाते हैं और चावल बन जाता है, उत्तम बन जाता है, भात बन जाता है, तो उसे बोलते हैं सिद्धमिति, मतलब ये सिद्ध हो गया, पक गया. दे वी स्टार्ट टू ईट, इट इज रेडी फॉर ईट. सो सिद्ध हो गया मतलब वो बन गया, वो काम हो गया. कार्याणि वर्क और डीड्स. कार्याणि कार्य, कार्य कार्याणि बहुवचन है, तो वर्क्स एंड डीड्स एस लगा दो तो वर्क्स एंड डीड्स. मनोरथई ओनली बाय थिंकिंग. मनोरथई मतलब मन में सोचने से ही कोई बात नहीं होती, ऐसी इसमें आई की बातें. तो मनोरथे बाय द थिंकिंग. प्रविशंति मतलब प्रवेश करते हैं, एंटर्स प्रवेश करते हैं. दृष्टिकूतम मतलब देखकर, दृष्टिकूतम मतलब अच्छी तरह से देखकर, बाय द सी प्रॉपर्ली. वस्त्रकूतम मतलब फिल्टर्ड बाय क्लोथ्स. फिल्टर्ड बाय समाचार मतलब बिहेवियर, यू बिहेव गुड मतलब ऑलवेज यू बिहेव गुड टू एनी वन, शुड बिहेव. रिटन ऑल वर्ड्स. सो नाउ ओपन योर बुक द चैप्टर 3 सुभाषितानी पेज नंबर 6. लेट्स स्टार्ट. पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि. जलम अन्नम सुभाषितम. हियर रिटन जलम अन्नम. जलम अन्नम
तो जलम ममहलत प्लस अन्नम। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। विच वर्ड्स मीनिंग यू डोंट नो? पृथिव्यां ऑन द अर्थ रत्नानी ज्वेल्स और डायमंड्स यू कैन से। जलम वाटर अन्नम ग्रेन सुभाषितम गुड वर्ड्स। मूढ़ पुलिसमैन पाषाण मीन्स स्टोन खंडेशु मीन्स पीसेस पाषाण खंडेशु पीसेज ऑफ स्टोन्स। रत्न संज्ञा संज्ञा किसी भी नाम को बोलते हैं। नाउन आप लोग पढ़े हो ना नाउन संज्ञा जिसे बोलते हैं। एनी नेम्स एनी प्लेस एनी थिंग एनी पर्सन मतलब कोई भी नाम किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं नाम बोलते हैं। नाम संज्ञा मतलब नाम भी आप बोल सकते हो। तो रत्न संज्ञा उसे रत्न का नाम विधीयते मतलब जानते हैं या देते हैं नोइंग। विधीयते मतलब जानते हैं या बोलते हैं। तो सो सी हियर पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि देयर आर थ्री ज्वेल्स ऑन द अर्थ। विच वन? जलम अन्नम सुभाषितम जलम अन्नम सुभाषितम वाटर ग्रेन एंड गुड वर्ड्स। हो गया फर्स्ट लाइन का मीनिंग। मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ तो पुलिस मैन विधीयते को ले आओ। द पुलिस मैन नोज द ज्वेल्स ओनली इन द पीसेज ऑफ स्टोन्स। द मूड है द पुलिस मैन गिव द नेम और नोज द नेम ओनली इन द पीसेज ऑफ स्टोन्स। कोई भी पत्थर के टुकड़े को वो रत्न का नाम दे देते हैं जो मूर्ख होते हैं। बट रत्न क्या है? तीन रत्न है पृथ्वी पर। क्या क्या? जल अन्न और सुभाषित। जल के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं। तो ये वाटर जो है इट इज अ ग्रेट ज्वेल्स फॉर आवर्स एंड वाटर एंड ग्रेन्स। भोजन के बिना भी हम नहीं रह सकते। पानी आप 4 दिन पी लोगे 10 दिन भी पी लोगे मान लो बट अन्न भी चाहिए। सो अन्न इज ऑल्सो ज्वेल्स फॉर आवर्स एंड गुड वर्ड्स। अगर आपको हमेशा कोई डांटता रहे खराब बात बोलता रहे और मारता पीटता रहे तो आपका जीना दुर्लभ हो जाएगा। सो द गुड वर्ड्स इज ऑल्सो अ ज्वेल्स फॉर आवर्स। अच्छी बातें कोई अच्छा बोलता है तो हमें अच्छा लगता है। हमें जीने की इच्छा होती है हम ज़्यादा दिन जीते हैं। सो वॉट इज द मीनिंग? देर आर थ्री ज्वेल्स ऑन द अर्थ वाटर ग्रेन्स एंड गुड वर्ड्स। बट पुलिस मैन ओनली द पुलिस मैन नोज द ओनली द पुलिस मैन गिव द नेम ऑफ ज्वेल्स इन द पीसेज ऑफ स्टोन। अंडरस्टूड? इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? एंड सेकेंड वन सी आई एम निजह पढ़ो बेटी। पढ़ो बेटी मतलब पढ़ो मीन्स पढ़ा। आई एम निजह पढ़ो बेटी गणना जल्लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आई एम निजह निजह मीन्स अपना ओन एंड पढ़ा पढ़ा मीन्स द अदर्स। वा इति बेटी मतलब क्या है यहाँ पे? वा प्लस इति। दिस इज माइन एंड दिस इज योर। दिस इज माइन एंड और दिस इज योर्स। दिस टाइप ऑफ काउंटिंग ओनली द मीन माइंडेड पीपल डूइंग। लघु चेतसा मीन्स मीन माइंडेड पीपल ओनली डूइंग। उदार चरिताना हु इज ब्रॉड माइंडेड ही ऑलवेज नोज हु ऑलवेज बिहेव लाइक फैमिली मेंबर ऑल ऑफ द ऑल अर्थ। कुटुंब का मीन्स परिवार जन के समान वो जानते हैं। जो द ब्रॉड माइंडेड पीपल ऑलवेज बिहेव ऑल अर्थ लाइक हिज फैमिली। सो क्लियर इट इज? आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नॉट इट इज डिफिकल्ट ना? सो गो लेट्स गो।
go for third shloka. Namatti phalino vrikshaha, namatti gunino janaha, shushk vrikshascha murkhascha, na namanti kadachana. Namatti phalino vrikshaha. Namanti means bend hona. Namatti phalino vrikshaha, jo phal se lade hue vriksh hai, laden of tree, the laden of fruit. The tree which is laden of fruit always bend. And Namanti Gunino Jana. Who is knowledgeable person are also always bent. But Susvrikshas Chamurkhas Jana Namanti Kadajana. But only the dry tree and the foolish man never bend. Bas nahi. शुष्क वृक्षास्य मूर्खास्य, जो सूखे हुए वृक्ष हैं और जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो कभी भी नहीं झुकते हैं, वो समझते हैं कि मैं सबसे विद्वान हूँ, अकर के खड़े रहते हैं. यही इसीलिए कहा गया है, एक कहावत है हिंदी में, अधजल गगनी छलकत जाए. मतलब थोड़ी सी उन्हें ज्ञान है बट वो अपने को दिखाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञाता हैं, हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं. सो जो अल्प ज्ञानी है, हु हैव लेस नॉलेज, हु इज फुलिश मैन एंड द शुष्क वृक्ष, उसमें न फल होते हैं न फूल होते हैं, तो दे बोथ आर ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट अकर के. एंड हु इज द ट्री हु लादेन विद फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड द मैन हु हैव द have a treasure of knowledge always bend, always झुकके रहते हैं, उनका स्वभाव विनम्र होता है. तो विद्या ददाति विनयम, यहाँ पे ये भी है एक अच्छा श्लोक का लाइन, विद्या ददाति विनयम. जब आप विद्या सीखोगे, जब आप नॉलेजेबल पर्सन हो जाओगे, तो आपको विनम्रता आ जाएगी और विनम्र होना भी चाहिए. विनम्र होने से वो व्यक्ति संस्कारी और अच्छा और ज्ञानी माना जाता है. Understood? So, let's go for fourth slok. Udyama saasam dhairyam buddhi shakti parakramah sedete yatra vartante tatra deva sahayakrit. Udyama, ye haan maine likha hai iska meaning dekho. Udyama means hard working, saasam means daring, dhairyam, patience, बुद्धि नॉलेज शक्ति स्ट्रेंथ एंड पराक्रम करेज. तो दीज सिक्स थिंग्स आर वेयर देयर ऑलवेज गॉड स्टैंड्स फॉर हेल्प, देयर ऑलवेज गॉड स्टैंड्स फॉर हेल्प देम. जिन व्यक्ति में द पर्सन हु हैव हु डू हार्ड वर्क एंड हु हैव पेशेंस हु हैव हु हैज डेयरिंग and who is knowledgeable and strength and courage, the God is always with him for help. God always उनके सहायक होते हैं, help करते हैं. But आप अगर चुपचाप बैठे रहोगे कि God मुझे सहायता करेंगे, मेरे भाग्य से God आ जाएंगे, मेरी किस्मत होगी तो God आ जाएंगे, so never, ये कभी नहीं होता है. आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है. अगर आप हार्ड वर्क करोगे, उद्यमी रहोगे, साहसी साहस रखोगे कि मैं आगे बढ़ूंगा, काम करते हुए साहस भी रखना है, धैर्य भी रखना है कि हाँ मुझे पेशेंस नहीं खोना है, धैर्य भी रखना है कि मुझे अच्छा होगा, मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे सफलता मिलेगी, भगवान जरूर सहायक होंगे. एंड थर्ड वन शक्ति स्ट्रेंथ, यू हैव ऑल्सो स्ट्रेंथ एंड बुद्धि भी, बुद्धि को काम में लाना है, नॉलेज जो आपकी नॉलेज है बुद्धि से काम लेना है, एंड करेज रखना है, साहस रखना है, अपने में हिम्मत रखना है कि मुझे करना है ये काम, मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट. सो देन द ऑलवेज गॉड इज सीइंग, गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज सीइंग एंड ही गिव्स द रिजल्ट. He gives a good result, he gives a sweet result.
बोलते हैं ना कि मेहनत का फल अच्छा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो जो भगवान सब देख रहे हैं, भगवान देखते हैं, अगर आप सोए हुए होगी भगवान मुझे देखेंगे तो नेवर, इट इज नॉट हैपनिंग। सो व्हाट ही हैज सेड कि हार्ड वर्किंग, डेयरिंग, पेशेंस, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड करेज, दीज सिक्स आर वेयर द गॉड ऑलवेज स्टैंड फॉर हेल्प फॉर देम। ओके, देन नाउ वी गो फॉर द फिफ्थ वर्ड, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन, हियर अगेन केम द वर्ड उद्यम, मीन्स हार्ड वर्क। वाई हार्ड वर्क, उद्यमेन, यहाँ पे तृतीया का एक वचन आया, तृतीया में क्या हो जाता है साइन से, by the उद्यमेन, the by work hard working, only by hard working you can achieve anything। सिद्ध्यन्ति का मतलब अभी मैंने समझाया, सिद्ध्यन्ति means या तो प्रूव करना या अचीव करना, तो यहाँ पे अचीव करना मीनिंग है। तो जो by hard working we achieve anything and not only by thinking, आप सोचते रहोगे कि मेरे ये काम हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, आपको उसके लिए परिश्रम करनी पड़ती है, आपको उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ती है। आप पढ़ोगे नहीं, चाहोगे कि हम एग्जाम में पास कर जाए, भगवान मेरा भाग्य होगा तो पास कर देंगे, नो, नेवर इट इज हैपन बेटा। सो यू शुड रीड, यू शुड लर्न, देन यू हैव टू गो द अदर क्लास। सो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, बाय हार्ड वर्किंग यू कैन अचीव एनीथिंग एंड नॉट बाय थिंकिंग। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, लाइक से नॉट एंटर्स द डियर इन द माउथ ऑफ स्लीपिंग लायन, सोए हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप नहीं घुस जाते हैं, उन्हें उद्यम करना पड़ता है, उन्हें झपट्टा मारना पड़ता है, उन्हें मुंह खोलना पड़ता है। आप खाना खाते हो तो जब हाथ से उठाते हो, मुंह में रखते हो, तभी जाता है ना खाना, अपने आप उठ कर नहीं चला जाता ना, लाइक थिंकिंग, सोचते सोचते। सो लाइक दैट द सिक्स्थ वन, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, शास्त्रपूतम वदेत वाणी, मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम मतलब आई द सी प्रॉपरली, नसेत पादम मतलब यू पुट योर स्टेप बाय प्रॉपरली सीइंग, एंड इज इट हियर नॉट स्टोन, नॉट एनी डिग, कोई गड्ढा नहीं है, कोई स्टोन नहीं है, ऊंचा नीचा तो नहीं है, तो यू पुट योर स्टेप बाय प्रॉपरली सीइंग। एंड वस्त्रपूतम पिबेत जलम, यू ऑलवेज यू शुड ड्रिंक वाटर बाय द फिल्टर्ड बाय क्लोथ, यू शुड ऑलवेज ड्रिंक वाटर इट इज विच इज फिल्टर्ड बाय क्लोथ। एंड शास्त्रपूतम वदेत वाणी, यू शुड टॉक विच इज रिटेन इन योर ग्रंथास, जो पूर्वजों ने लिख लिया है शास्त्रों में उनके अनुसार आपको वाणी बोलना चाहिए। एंड मनःपूतम समाचरेत, एंड यू शुड बिहेव ओनली दैट टेल्स योर माइंड, जो आपके मन में बात आ रही, जो आपका दिल करता है, जो आपका मन करता है, वैसी बातें बोलनी चाहिए, दूसरों के कहे पे नहीं जानी चाहिए। सो आई थिंक इट इज इट ऑल आर क्लियर फॉर यू, इजंट इट, ऑल आर क्लियर फॉर यू। सो नाउ द टुडे वी स्टे हियर एंड नेक्स्ट डे or we take the revision of it and then we take exercise. So, tab tak ke liye stay safe and stay home. No, here the time is not happening, so only the time is 19 minutes. So, once more you see these slokas. If you not written, you want to write, then you can write in your
meaning of it. And not right. I will tell you that not right. Only you see in your book and you मतलब अपने आप से meaning लगाओ. एक एक वर्ड का मीनिंग मैं बता रही हूँ, तो अपने आप से मीनिंग लगाओ. तो अभी आप एग्जामिनेशन में जाओगे रट के, तो हो सकता है एक वर्ड आप भूल जाओगे, बट जब आप खुद मीनिंग लगाना जान जाओगे तो आप बिल्कुल सही लिख करके आओगे. आप मीनिंग लगा लिया, वेरी इजी, एंड रिटन इन योर नोटबुक, देन नॉट हैपेंस एनी मिस्टेक्स. एंड इन योर ओन वर्ड, इफ यू राइट इन योर ओन वर्ड, देन एग्जामिनर will happy. So see, once again I am telling you the meaning. See in your book and आप उसमें एक एक वर्ड का मीनिंग खुद लगाओ. पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाठां पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते. पृथिव्यां on the earth, त्रीणि three, रत्नानि ज्वेल्स, जलम अन्नम सुभाषितनम, वाटर ग्रेन्स एंड गुड वर्ड्स, मूढ़े पाषाण खंडेशु पुलिसमैन, इन द पीसेज ऑफ ए स्टोन रत्न संज्ञा विधीयते. रत्न संज्ञा द ज्वेल्स, ही नोज द ही गिव्स द नेम ऑफ ज्वेल्स इन द पीसेज ऑफ स्टोन इन दिस अर्थ. ऑन द ऑन देयर आर थ्री ज्वेल्स ऑन दिस अर्थ विच the jalam water grains and good words. The moon and fully only the foolish man knows the jewels, knows the names of jewels in the pieces of a stone. So where it is difficulty, not na. Second word, I am nija paro veti ganana lagu chit sham udhar charitanam tu vasudhaiva kutumbakam. So this is mine and this is yours. These types of counting only do the mean-minded people. ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब क्षुद्र बुद्धि वाले करते हैं. जो उदार चरित वाले होते हैं, अभी किसी को पेंसिल की जरूरत है तो वो दे देंगे कि लो मेरा यूज कर लो, फिर आप लौटा देना. और सामने वाले का भी कर्तव्य है कि वो अपने पेंसिल को, आपके पेंसिल यूज किया है तो थैंक यू बोल के उसे रिटर्न कर दें, है कि नहीं. तो ये उदार चरित वालों का काम है. जो क्षुद्र बुद्धि वालों के नहीं, मैं अपनी कलम नहीं दूंगी आपको, मैं अपनी पेन नहीं दूंगी, मैं अपना पुस्तक नहीं दूंगी, कोई भी चीज. तो ऐसे वही सेम चीज यहाँ सुभाषितानी, देखा सुभाषितानी में क्या है कि गुड वर्ड है जो हम लोग सीखते हैं, अपने जीवन में उपयोग करते हैं और इसे एक दूसरे को फैलाते भी हैं. स्प्रेड विगतियों होता आया है जनरेशन बाय जनरेशन एंड नाउ ऑल्सो हैपनिंग. So udar charit, this is mine and this is yours. This type of counting only to the mean-minded people. And who is the broad-minded people? He always think the all earth like his family. He behave all earth like his family. सभी पूरे अर्थ को वो अपने फैमिली के समान समझते हैं. नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचनः. सो द नमन्ति फलिनो वृक्षाः, द ट्री हु इज लादेन विथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑलवेज बेंड एंड द पीपल हु इज नॉलेजेबल हु हैव द ट्रेजर ऑफ नॉलेज ऑल्सो बेंड. The people also bend, who is knowledgeable, who have the treasure of knowledge. But who not bend? Only the shushk vrikshascha murkhascha. Only the dry tree, who have not any fruits, not any leaves, not any flowers. But he stands straight. Akar ke khara rahega. Kuch hai nahi uske paas, but akar ke khara rahega. Like same the people who is not knowledgeable, who is foolish man, जो मूर्ख है वो समझता है मुझे सब कुछ आता है, तुम क्या बताओगे मुझे सब कुछ आता है. So not do like that. Only विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है विनय देती है. विद्यावान जो होते हैं वो विनम्र होते हैं, विनयशील होते हैं, वो हमेशा
कर बातें करते हैं। वो बड़े तो बड़े, छोटों के पास भी, छोटों से भी अकड़ के कभी नहीं बात करते, अकड़ के कभी नहीं उन्हें बूढ़ा बोलते, डांटते नहीं, उनसे विनम्रता से बातें करनी चाहिए। अगर बच्चों को नहीं आता है तो हम प्यार से भी सिखा सकते हैं उन्हें। सिखाना मेरा काम नहीं आता है तो क्यों डांटेंगे? आज आपको नहीं, मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए आया हूँ। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप एक बार पूछो, दो बार पूछो, मेरा काम सिखाना है, आपका काम क्वेश्चन करना। पर मैं गुस्सा होना मेरा काम नहीं, हाँ बदमाशी करूँगी तो जरूर मैं गुस्सा होने लगा। यू डू द बैड बिहेवियर देन आई कॉल यू। सो शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन, नेवर बाइंड नेवर बेंड द ड्राई ट्रीज एंड द फुलिश मैन हु इज नॉट नॉलेजेबल पीपल। सी फोर्थ वन, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृतः। सहायकृत उद्यम द हार्ड वर्किंग डेयरिंग पेशेंस नॉलेज स्ट्रेंथ एंड करेज हु हैव दीज सिक्स थिंग द गॉड विल ऑफ द गॉड ऑलवेज स्टैंड्स विद हिम फॉर हिज हेल्प। उनके हेल्प के लिए गॉड हमेशा सहायकृत होते हैं, उनकी सहायता के लिए स्टैंड रहते हैं। वो समझ जाते हैं, गॉड सब कुछ समझते हैं कि ये उद्यम कर रहा है, ये इसे साहस है, ये पराक्रमी है, इसे फल देना मेरा काम है। बोलते हैं ना कि ओनली यू आर कर्मण्येवाधि कारस्ते, मतलब यू हैव टू राइट ओनली टू एक्शन, ओनली फॉर एक्शन। तुम्हें कर्तव्य करने की काफी अधिकार दिया है ईश्वर ने, एंड फल की चाह नहीं रखो, फल देना भगवान का काम है। सो द गॉड विल ऑलवेज स्टैंड विथ द सेम पीपल, विच पीपल हु इज हार्ड वर्किंग, हु इज डेयरिंग, हु इज हु हैज पेशेंस, हु हैज नॉलेजेबल, हु हैज स्ट्रेंथ एंड हु इज करेज, हु हैज करेज। उद्यमे निषिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बाय हार्ड वर्किंग यू अचीव एनीथिंग इन एनी फील्ड, बट नॉट ओनली बाय थिंकिंग, सोए सोए कुछ नहीं मिलता है। लाइक द सेम नॉट एंटर्स द डियर इन द माउथ ऑफ स्लीपिंग लायन, सोए हुए सिंह के मुख में जो हिरण है अपने आप नहीं चला जाता है, उसके लिए भी उसे उद्यम करना पड़ता है। लाइक खाना खाने के लिए आपको उद्यम करना पड़ता है, मैंने अभी बताया। सेम दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वर्धेत वाणी मनपूतम समाचरेत। यू पुट योर स्टेप बाय प्रॉपरली सीइंग कि नॉट हियर न एनी डर्ट, नॉट हियर न एनी स्टोन, नॉट अप एंड डाउन। सो यू ऑलवेज पुट योर स्टेप बाय सीइंग प्रॉपरली, and you should always drink water by filtering by the cloth, you should always drink water which is filtered by cloth, and speak and you talk by the, which is written in the granthas, jo hum logo ke purvajon ne likh diya, like that you should speak and your behavior, you should behavior which is telling your mind, जो आपका दिल बोलते हैं, जो आपके मन बोलते हैं, वैसे ही आप काम कीजिए, दूसरे के कहे पे मत जाइए। सो दीज आर द लेसन फॉर वी ऑल, हम लोग सबके लिए ये लेसन है। ये सुभाषितानी का मतलब ही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये अच्छी बातें कही गई है, हमें इसे अपने जीवन में अपने लाइफ में उपयोग करना चाहिए। तो आप लोग सारे श्लोकों को लर्न करोगे और ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और अर्थ इसका अच्छे से खुद लगाने की कोशिश करना बेटा। खुद मैंने क्लियरली बताया ना, तो खुद लगाओ तो बहुत अच्छा होगा। मैं फिर से बताऊंगी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया। वंस अगेन आई रिपीट यू
क्लास एंड देन वी टेक द एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना रहने दें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेम चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे, है ना। रिविजन किया, ये भी याद करना है और श्लोक भी याद करना है। बाय ऑल ऑफ यू एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।